दोस्तों, आज हम गोरखा रेजिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। गोरखा रेजिमेंट का नाम आपने जरूर सुना होगा, और यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि गोरखा वही गोरखा है जिसने 1962 में भारत चीन युद्ध हो या 1965 और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हो, गोरखा रेजिमेंट ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। इतना ही नहीं, 1947-48 में पूरी सेक्टर हो या श्रीलंका में भेजी गई गोरखा ने निडर होकर लड़ा था और दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इसी गोरखा के बारे में भूतपूर्व सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने कहा था कि यदि कोई कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो या तो वह झूठा है या गोरखा है। इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट के होने से पाकिस्तान और चीन डरा रहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि गोरखा कभी मरने से नहीं डरता है। जहां जाता है सामने वालों को ले मारता है। चीन के आंखों में तो गोरखा इस कदर खटकने लगा है कि वह नेपाल सरकार पर दबाव बनाता रहता है, ऐसी खबर मिलती रहती है। चीन ऐसा क्यों करता है, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि गोरखा है क्या। दोस्तों, चीन पाकिस्तान को तो आप छोड़ ही दीजिए, गोरखा रेजिमेंट के तो अंग्रेज और हिटलर भी दीवाने हो गए थे। वो भी इस कदर दीवाने हुए कि गोरखा रेजिमेंट को अपनी सेना में शामिल कर लिया। अंग्रेज गोरखा रेजिमेंट के भरोसे जर्मनी के तानाशाह हिटलर से पंगा लिया, जिसकी बहादुरी देखकर हिटलर भी गोरखा का दीवाना हो गया। गोरखा रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है जिसकी बहादुरी को भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है। अब सवाल ये है कि गोरखा भारत कैसे आया, चलिए बताते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। पहली बात ये है कि गोरखा भारत में पैदा नहीं हुए हैं, गोरखा नेपाल से आए हैं। नेपाल की तलहटी में बसा एक नेपाली जिला है जिसका नाम गोरखा है, यानी गोरखा जिला है नेपाली जिला। वो वहीं से चलकर भारत या पूरे विश्व में गए हैं। आपको बता दें कि गोरखा में कई जातियों के योद्धा शामिल हैं, किसी एक जाति के योद्धा नहीं रहते हैं, जैसे सुनवार, राय, गुरंग, मागर और लिंबू। लिंबू खाने वाले लिंबू नहीं, वहाँ की जाति का नाम है लिंबू जाति। ये सभी जाति के लोग पहाड़ों में रहते हैं और एक नारा लगाते हैं, आयो गुरखाली और कायरता से मरना अच्छा। वो ऐसा अपने अंदर साहस को बढ़ाने के लिए करते हैं और दुश्मनों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए ये सब नारे लगाते हैं। गोरखा के लिए एक बात फेमस है कि गोरखा जब अपनी खुखड़ी निकाल लेता है तो वह खून बहाए बिना म्यान में नहीं रखता है। भारतीय सेना में गोरखा के शामिल होने की बात करें तो गोरखा आज से लगभग 200 साल पहले भारतीय सेना में शामिल हुई थी। तब भारत गुलाम था और भारत का शासन अंग्रेजी हुकूमत के अधीन थी। जब अंग्रेजों ने नेपाल पर चढ़ाई की, दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल से लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई 1814 से 1816 के बीच लड़ी गई थी। तब गोरखा ने बहादुरी से लड़ा था। हालांकि उस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी, लेकिन गोरखा ने उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाई थी, जिसकी बहादुरी को देखकर अंग्रेजों ने 1815 में भारतीय सेना में शामिल कर लिया। तब जॉर्ज पंचम ने उसका एक नाम दिया था, वह था गोरखा रेजिमेंट। आपको बता दें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो गोरखा राइफल्स का भी बंटवारा हुआ था। केवल हमारा देश ही नहीं, सेना का भी बंटवारा किया गया था। ये बंटवारा भारत और चीन के साथ नहीं, बल्कि भारत और ब्रिटेन के साथ हुआ था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद जब ब्रिटिश वापस घर लौट रहे थे, तब गोरखा के 10 रेजिमेंट्स थे। उनमें से आधे रेजिमेंट्स को अंग्रेज अपने साथ ले गए। उन रेजिमेंट्स में 1, 3, 4, 5, 8 और 9वीं गोरखा रेजिमेंट्स भारत को मिला, जबकि 2, 6, 7 और 10वीं रेजिमेंट को अंग्रेज अपने साथ ले गए। इसमें दिलचस्प बात यह है कि गोरखा रेजिमेंट्स में से कई सैनिक ब्रिटेन जाने से इनकार कर दिया था।
तब भारत ने उसी समय 11वीं गोरखा रेजिमेंट बनाकर उन्हें अपने दल में शामिल कर लिया। भारत में गोरखा सैनिकों की संख्या की बात करें तो आज यहां लगभग 120,000 गोरखा सैनिक इंडियन आर्मी में शामिल है। वहीं ब्रिटेन में भी लगभग 3500 गोरखा सैनिक शामिल हैं। कुछ वर्ष पहले भारत के आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग थे, जो गोरखा से ही थे। गोरखा ने दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर जाकर इस कदर लड़ाई लड़ी है कि अपनी जान तक न्योछावर कर जाते हैं। ऐसे योद्धा को हर भारतीय सलाम करता है। इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट को हर तरह की सुख सुविधाएं और पद से सम्मानित किया गया है। गोरखा को महावीर चक्र और परमवीर चक्र भी दिया जा चुका है। भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान गोरखा रेजिमेंट ने जो दुश्मनों को घाव दिया, वो आज भी चीन और पाकिस्तान भुला नहीं है। चीन तो गोरखा रेजिमेंट से इस कदर तिलमिलाया रहता है कि वह हमेशा नेपाल सरकार को कोसता रहता है। वह इसलिए ऐसा करता है कि हर साल नेपाल से करीब 1500 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में शामिल होते हैं। इस भर्ती को रोकने के लिए चीन नेपाल पर दबाव बनाता रहता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि गोरखा भर्ती के लिए भारत और चीन के बीच एग्रीमेंट हुआ था। गोरखा के बारे में आपको कुछ और जानकारी देते हैं। गोरखा रेजिमेंट भारत और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में शामिल है, जैसे सिंगापुर में और ब्रुनेई में। आपको बता दें कि पहले और दूसरे वर्ल्ड वार में गोरखा के लगभग 4.5 लाख सैनिक शामिल हुए थे। पहले वर्ल्ड वार में 2.5 लाख और दूसरे वर्ल्ड वार में 2 लाख गोरखा सैनिक बहादुरी से लड़े थे। आप सोचते होंगे कि गोरखा रेजिमेंट इतना खतरनाक क्यों होते हैं, तो हम आपको बता दें कि गोरखा के खून में, उसके कल्चर में ये चीज़ देखने को मिलती है। इस प्रकार कोई खतरनाक कार्य को अंजाम देने से पहले हिंदू धर्म में देवी को बकरी की बलि चढ़ाई जाती है, ठीक ऐसे ही गोरखा लोग दशहरे के मौके पर नर भैंस की बलि देते हैं। इसके अलावा जब गोरखा लोग इंडियन आर्मी का हिस्सा बनते हैं, तब उनकी ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल भरा होता है। जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तब गोरखा सैनिकों को एक खुखड़ी दी जाती है, जो कि एक कटार होती है। ये कटार हर गोरखा सैनिकों को सम्मान के तौर पर दिया जाता है, जिसे वो संभाल कर रखते हैं। तो दोस्तों, आज हमने गोरखा से संबंधित बहुत सारी सीक्रेट जानकारी बताया। आशा है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा ले, ताकि आपको नए वीडियो का नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।